सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म और इस टाइम तो हम लाइव जुड़ गए हो सिद्धू मूसेवाला के घर पर हम पहुंचे हैं और उनके जो पिताजी और उनकी माताजी हैं फिलहाल अंदर हैं। तो सबसे पहले उनसे बात करांगे और फिर जो दूर दूर तक मिलन आ रहे हैं उनका अगले बात करांगे। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी मार्ग मौजूद हैं, हम पहुंचे हैं मूसेवाला गाँव में और दूर दूर से कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से दूसरे देशों से भी मिलने वालों का तांता लग रहा है। तो उनके पिताजी मौजूद हैं, तो ये जो लाड प्यार जो मिल रहा है जी सिद्धू मूसेवाला को, इस प्यार को क्या नाम दोगे जी? ये तो परिवार है हमारा, सिद्धू को चाहने वाले हैं जो उसी दिन से आ रहे हैं और आते रहेंगे जी। धन्यवाद करता हूँ उनको, उन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। सिंह साहब, घटना बेशक पुरानी हो लेकिन लोगों के दिलों में भी आज भी वो घटना ताज़ा है, तो उसको लेके जो प्रशासनिक कार्रवाई है उससे कितना संतुष्ट हो आप? संतुष्ट तो देख ही रहे, हम तो हर एक संडे को बोलते ही हैं जी। संतुष्ट किस बात की है, कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है, जो समस्या हम बोल रहे हैं वही है, वहीं पे रुके हुए हैं, जहाँ पे 10 महीने पहले थे वहीं पे आज रुके हुए हैं। तो सिद्धू मूसेवाला का एक ड्रीम था जी, जिस तरह से वो गायकी के माध्यम से लोगों के दिलों में उसने राज किया, उनके बहुत सारे गाने पेंडिंग हैं, क्या उनके ऊपर भी कुछ आपका विचार चल रहा है? वो सही समय पर आके छोड़ेंगे, अच्छा बरसी के बाद उसका कोई गाना छोड़ेंगे जी। जी चलो, धन्यवाद जी बहुत बहुत। तो ये थे भाई सिद्धू मूसेवाला के पिताजी, जो कि फिलहाल जो है लोगों का मिलने वालों का तांता लग रहा है और उनके गानों को लेकर के भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फिलहाल, हालांकि जो घटना पुरानी है लेकिन उसके पिताजी फिलहाल भी सदमे में हैं और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक शंका जाहिर करी है कि भाई जो हमारी मांग है या जो कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासनिक पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए उस तक सेटिस्फाइड नहीं है बलकार सिंह जी सिद्धू मूसेवाला के जो पिताजी हैं। और फिलहाल जो है ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं, एक तरफ हुजूम जुड़ रहा है जो कि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी से मिलने वालों का हुजूम है और दूसरी तरफ उनकी कुछ निशानियां हैं सिद्धू मूसेवाला की, तो हम देख सको कितने ट्रैक्टर है तो कितने जोंगा जीप है तो कितने इस तरह की जो इनके जो शौक थे जो सिद्धू मूसेवाला के, तो ये वो साधन है भाई जो सिद्धू मूसेवाला के शौकीन में घूमे फिरे और अपने दिन यहाँ बिताए। और ये देखो भाई, तो ये किस तरह से इसको मॉडिफाई करवा रखा है और ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं भाई फिलहाल जो तुम देखने लग रहे हो और सजावट की उसकी मतलब शौक, अगर सिद्धू मूसेवाला को जरा एक तरफ गायकी का शौक था तो दूसरी तरफ किसानी तक जुड़े इस तरह के जो चीज़ साजो सामान है जो उनका भी उसको बहुत ज़्यादा शौक था इन चीज़ों का। और ये तस्वीरें जो है सिद्धू मूसेवाला के घर की अंदर की तस्वीरें, देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए बिल्कुल इतने छोटे छोटे बच्चे भी मिलने के लिए आए। क्या नाम बेटा आपका, क्या नाम है? ये अच्छा मेहर कौर, मेहर कौर बिल्कुल छोटी सी बच्ची, आप भी मिलने आई जी उनके? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिलने आए। मिल लिए, आप कैसा लगा? मिल लिए, बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ मिलके। एक साल होने को आया लेकिन वो नहीं भूल पा रहे, घटना लग बिल्कुल नहीं भूल पा रहे उसको, बहुत अफसोस, जिसने भी ये काम किया बहुत गलत किया जी। और इधर देखोगे तुम तो ये उनका डॉगी है भाई, जिसने कई दिन तक खाना नहीं खाया था जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होया। चलो, और उन तक मिलन वाले की अगर मैं बात करूं तो भाई दूर दूर तक लोग उन तक मिलन खतर आने लग रहे हैं। घटना हालांकि काफ़ी पुरानी होली लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वह दर्दनाक व दुखद घटना बिल्कुल ताज़ा है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो दूर दूर तक मिलने आए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी अमर सिंह जी। अमर सिंह, हाँ जी। तो कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र से जी। कुरुक्षेत्र से, हवेली देखने सिद्धू साहब की जी। ठीक है, तो पहले भी मिलके गए हो आप जो सिद्धू मूसेवाले के जो पिताजी हैं माताजी हैं उनका परिवार है उनसे पहले भी मिलके गए हो? नहीं जी, मैं पहली बार, फर्स्ट टाइम। पहली मुलाकात होगी? पहली बार नहीं, पहली बार आया हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, आज पहली मुलाकात हो? पहली बार आया हूँ जी मैं। हाँ, आपका क्या नाम है जी? नीलमजीत। आप कहाँ से आए जी? हम कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र, हाँ जी। तो मिलके क्या अपनी क्या बातचीत करोगे उनके साथ? बस यही जी, माँ बाप का अकेला बेटा था तो बहुत दुख होया, चलो जो भी था उसको वैसे कर लेते, उसके पास कोई बातचीत कोई, बस ऐसे मारना नहीं चाहिए सा जान से, ये दुख था। हाँ जी हाँ जी, निपटा के लेते, बात कर लेते सुलह सहमति से, बस मारना नहीं चाहिए था, यही दुख है कि उसकी मम्मी पापा को मिले एक बार। हाँ जी, किसी तरह उनको सांत्वना मिले। हाँ जी जी, आप कहाँ से आए जी?
अम्बिकर क्षेत्र से। क्या नाम आपका? गगनदीप। गगनदीप जी, जी। तो आप सिद्धू मूसेवाले के गाने कितने टाइम से सुन रहे हैं? काफी टाइम से सुन रहे हैं। काफी टाइम से सुन जी। आज भी गुनगुना लेते हो? हाँ, आज भी सुनते हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला आज भी लोगों के दिलों में तो जिंदा है। दिलों में है जिंदा। माता जी आपका क्या नाम है? गुरमीत कौर। गुरमीत कौर, कितों आई जी? कुरुक्षेत्र से आया। कुरुक्षेत्र से? हाँ जी। स्पेशल मिलने के लिए पहुँचे? हाँ जी, मिलने के लिए। बहुत दुख हुआ है, मन में जाता ही नहीं इनका दुख, तो बहुत भारी दुख होता है। बड़े चेर दी कहती हूँ भी उनके माँ बाप पिता को मिले, भी दुख हल्का करें, भी कुछ बातचीत करें। एक माँ के लिए तो बड़ी दुखद घटना। एक अकेला बेटा था, बहुत दुख हुआ सुन के। बिल्कुल जी। तो भाई तम देख सको, सुरक्षा के मद्देनजर अगर मैं बात करूँ तो बैरिकेटिंग की व्यवस्था करी गई है, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। हम पुलिस प्रशासन तभी बात करने की कोशिश करेंगे भाई किस तरह की सिचुएशन है। अरे क्या नाम है जी आपका? गजीत सिंह। ऐसे गजीत सिंह सर। हाँ जी। तो सिंह साहब, मिलने वालों का जैसे डेली हम देख रहे हैं भाई, सिद्धू मूसेवाले की कोठी पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं मिलने के लिए। जी, बहुत लोग आते हैं जी। माता जी और बापू बुरकौर सिंह जी मिल रहे नहीं, मिलते हैं जी। बिल्कुल। किसी ने रास नहीं भेज दी जी, मिलते हैं। लेकिन जब भी जैसे मिलते हैं तो वो जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, दुख भी आता होगा। हाँ जी, बस पहला कह देने आगे भाई बापू जी और बीबी जी का मन ना खराब करे। हाँ जी भी। तो अभी जैसे तरन तारण में घटना घटी जो गैंगवार हुआ, उसमें दो लोग, एक तो संदीप तूफानी और एक मनमोहन, आपस में गैंगवार में मारे गए। हाँ जी। तो उसके बाद कुछ सुरक्षा में भी कुछ यहाँ बढ़ोतरी करी गई है? नहीं सर, सुरक्षा तो साड़ी SSP साहब मानसा श्री नानक सिंह IPS वालों, DGP के निर्देशों वालों सुरक्षा जबरदस्त चल रही है जी। ये LMG गड्डी लगी हुई है। बिल्कुल जी। बाकी 4 स्पेयर नाके है जी। जी। बाकी बापू जी नाल गनमैन ने। बिल्कुल जी। सुरक्षा पक्षों किसी प्रकार की कोई कुताही वाली बात नहीं जी। कैमरामैन वरुण रेड उतरी कूंगा मैं, दिखा दे भाई किस तरह से पूरी सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं। और ये देख सको तुम, फुल सिक्योरिटी जो है फिलहाल सिद्धू मूसेवाले के घर के सामने करी गई है। और जो गैंगवार हुई थी उसमें जैसे दो का तो उसमें दो की तो मर्डर हो गया था दो का, और एक जो है सिविल अस्पताल तरन तारण में उसको एडमिट कराया गया है। लेकिन फिलहाल जो है सिद्धू मूसेवाला की जो ये कोठी है, जो ये मकान है, इसके पास तुम देख सको हो मिलने वालों की लगातार लाइन लग रही है। और एक शांत होना, क्योंकि घटना, हालांकि फिर कहूँगा 29/5/2022 की वह दुखद घटना जिसमें कि पंजाबी पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और इसके जो साफ शूटर हैं वो इसकी जिम्मेदारी ले हुए हैं। रामन थी फिर कहूँगा किस तरह से एक टकटकी लगाए जो लोग हैं वो न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। अभी किसी तरह से सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड में जो जो लोग भी शामिल थे, चाहे वो गोल्डी बराड की बात करें या लॉरेंस बिश्नोई की बात करें या और भी जो काफ़ी सारे शार्प शूटर थे, उनमें तो हालांकि दो की तो इनकाउंटर में और दो की आपस में गैंगवार में मौत होगी। तो फिलहाल भाई तुम ये तस्वीर देखने लग रहे हो सिद्धू मूसेवाले के घर की अंदर की तस्वीरें हैं। तो देखो भाई कैमरामैन थी कहूँगा से हमें दिखा दे, ये सिद्धू मूसेवाले का घर है, पूरा आलीशान घर बना रखा है। और ये तस्वीरें फिलहाल जो है मूसेवाला गांव तक तुम लाइव देखने लग रहे हो, लोगों का झूम झूम रहा है। तो इन तस्वीर आप अतारती छोड़ कर जाने लग रहे, वीडियो ने जिला के शेयर कर दो। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मो। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।